हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास हरमन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल रोडीज रियल हीरोज में कौन सा होगा सबसे पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हर साल की तरह इस साल भी रोडीज ने एक बैटल ग्राउंड कॉम्पिटिशन करवाया था जिसमें चार विजेता बने थे, जिनका नाम है अरुण, राहुल, चौपसी एंड रश्मीत कौर। तो अब गाइज मैं आपको बता दूं कि इन चारों के बीच में एक कंपटीशन होगा जिसको जो भी जीतेगा वो ही हमारा बनेगा फर्स्ट वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। सो फ्रेंड्स, इस कंपटीशन को जीत लिया है अरुण शर्मा ने, जिसका मतलब है कि अरुण शर्मा है हमारे इस सीजन के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अरुण शर्मा पहले भी इसी सीजन में आ चुके हैं, लेकिन वो कलिंग राउंड से ही बाहर हो गए थे। तो ऐसे में बैटल ग्राउंड की वजह से उन्हें अब एक सेकंड चांस मिला है कि वो रोडीज रियल हीरोज की जर्नी में आ पाएं। और हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है, जैसे कि आप इस फोटो को देख सकते हैं, इसमें आपको अरुण शर्मा दिखाई देंगे, जिसका मतलब ये है कि आगे जाके इस सीजन में अरुण शर्मा की एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री होने वाली है। तो आप इस खबर को सुन के खुश हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।